कर लीजिए। हमने हम लोग एक रख दिया है, हम लोग कन्फ्यूजन तो ये क्या बोलते हैं को अच्छे से खोलो, मशीन यूज मत करो, टीमों को खोलो अच्छे से। इस दिया हियरिंग हो गया, ये तो आपको 2011-12 से नोटिस दिया हुआ, फिर उसका बाद कोर्ट कचहरी का चलते रहा और अभी लेटेस्ट जो हियरिंग है, हियरिंग में बहुत दिन से चल रहा है और अभी ऐसा नहीं है, देख देख के इलेक्शन देख देख के कर रहा है और जिसका अलॉटमेंट है तो उसको भी देख के काम कर रहा है और अभी बेसिकली हम लोग इसको डिमार्केशन कर देगा। हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें एडीसी को चेयरमैन बना के इसको डिमार्केट करने के लिए बोला है, तो अभी तक का जो आउट ऑफ 13 लेक्स 7 लेक्स जो है ऑलरेडी फाइनल कर दिए हैं, तो 7 लेक्स को आज हम लोग भी यहाँ फाइनल कर रहा है, जिसका अलॉटमेंट नहीं है, जिसको इविक्शन ऑर्डर पास हो चुका है तो उसको आज सर कितना घर है सर टोटल जो है 227 है, तो 227 में से LPC दो के तीन केस में LPC है और 7 केस अलॉटमेंट है अंदर में, तो उसको कैंसिलेशन के लिए ट्राई कर रहा है पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि ये कंपाउंड का अंदर में प्राइवेट रेसिडेंस तो अच्छा नहीं दिखता है, तो उन लोग ये करेगा उसका अल्टरनेट अलॉटमेंट के लिए उन लोग जाएगा, तो ऐसा है। तो सबको नोटिस दिया गया था? हाँ, नोटिस दिया गया है, हियरिंग भी हुआ है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में काम कर रहा है। अभी कुतुब साहब, अभी ये जो जमीन किसका अंदर में ऑक्यूपेशन है, अर्बन डेवलपमेंट का अंदर में भी है ना, पुलिस में है अभी? नहीं, ये अर्बन डेवलपमेंट में 2002 को अलॉटमेंट दिया गया था, उसको अभी 2013 में पुलिस को ट्रांसफर कर चुका है, तो ये अभी पुलिस डिपार्टमेंट का है। टोटल कितना एरिया है ये? 340 एकर्स है। 340 एकर्स, तो कितना एकर्स अभी आपके पास में है, ये पुलिस डिपार्टमेंट के पास में कितना है और कितना लगता है कि इंक्रोचमेंट हो गया जैसा? नहीं, ये तो आपको मोर देन 90% तो इंक्रोच है, 90% इंक्रोच है, अभी हम लोग 50% को एटलीस्ट अभी रिकवरी करेगा, कोशिश कर रहा है और हो जाना चाहिए। पोतम साहब, मैं देखा हूँ कि काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन आप भी मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये है भी जो इंक्रोचमेंट है वो भी शायद हमारे अपने ही आदमी होंगे शायद, तो उनको रिहेबिलिटेशन या तो जिसका एलोटेड है उसको अल्टरनेट अलॉटमेंट का क्या व्यवस्था? देखिए, एक्ट में कोई ऐसे प्रोविजन नहीं है ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू में क्या करना है नहीं करना है, एक क्लियरली बोलता है कि अनऑथोराइज मीन्स अनऑथोराइज, उसको इवेक्ट करना है, और एज फार दी प्रोविजन ऑफ लॉ इन लोगों का एडवांस पोजिशनल राइट भी नहीं होता है जहाँ में पब्लिक प्रोमिसेस एक्ट लागू होता है, तो चिंतित का बात है, बहुत लोग बहुत दिनों से बैठा हुआ है, तो अभी सरकार चाहने से वेलफेयर सरकार है वो कुछ अच्छा डिसीजन ले सकता है। लोकल MLA भी इसका बारे में चर्चा कर रहा था, और भी कोई MLA लोग चर्चा कर रहा था, शायद उन लोग एमिकेबली कोई रास्ता एक तो निकालेगा तो उम्मीद करता है, लेकिन जहाँ तक यहाँ अभी प्रेजेंट ऑक्यूपेशन है आयरविन का, इस ऑक्यूपेशन का अराउंड में तो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल रहने से हमको सही नहीं लगता है, क्योंकि सिक्योरिटी वो लोग हमें देते हैं, तो उन लोगों का खुद का सिक्योरिटी नहीं होने से तो बहुत चिंतित का बात है, तो हम लोग का कोशिश है कि ये जमीन जो एक वो पहाड़ सब जो दिखाई दे रहा है वो एक इन लोगों का वापस मिल जाने से अलॉटमेंट का मुसाफिक से, तो इसके लिए हम लोग का कोशिश है, 2-3 दिन जरूर लगेगा क्योंकि इतना बड़ा जगह है, पहाड़ है,
और दरिया है और इसको देखते हुए और लोग लोगों का साथ भी मिल के उनको उस हिसाब से। सर सुनने में आया कि कुछ लोग पहले से यहाँ ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे, कच्चा घर ही सही। यूडी का समय में जो जो लोग यहाँ पे थे उन लोगों को रिकॉर्ड में उन लोग दिखाया है, कुछ कॉम्पेंसेशन भी दिया गया है। कॉम्पेंसेशन दे के ये जो अभी जो प्रेजेंट जो लोकेशन है, स्ट्रक्चर जो करा है वो लिया गया है, और कुछ और जमीन है जहाँ में कॉम्पेंसेशन दिया गया है। कुछ कॉम्पेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ नॉट एग्जैक्ट द लैंड बिलो, कुछ ऐसे करके दिया गया है, रिकॉर्ड में है। तो तुम सब, आप खुद भी मजिस्ट्रेट है, आप खुद इलेक्शन करने भी आए हैं, कोर्ट का ऑर्डर भी है, लेकिन कोई लोग को शायद एक दो दिन का समय जरूरत पड़ेगा होगा, या कोई खुद भी अपने से भी इलेक्शन कर रहे होंगे, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हमारा 2008 से मेरा तजुर्बा है कि लोग अपना से इलेक्शन करेगा बोलता है, नहीं करता है, करने का बात और वो लोग बनाता है, इसलिए मेरा दिल पत्थर जैसे हो गया, बहुत धोखा खा गया, इसलिए मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन जिन्यून ग्राम जहाँ होता है हम लोग कोशिश करता है कि मदद करे और समय दे, इंसानियत हिसाब से पेश करे। पुतुम साहब, एक और इसका अलावा एक और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सीरियस इशू दिखाई दे रहा है, हाईवे में काफ़ी इंक्रोचमेंट हो रहा है, 415 फ्रॉम होलोंगी टू ईटानगर। हाँ, होलोंगी टू ईटानगर का जो इंक्रोचमेंट है उसका भी नोटिस ऑलरेडी साहब कर चुका है। होलोंगी से चंद्रनगर तक जो दोबारा जो हियरिंग होना था वो लोग आया नहीं है, तो नोटिस दिया गया था वो हियरिंग पे नहीं आया, परसों भी था और पिछले 3-4 दिन में था। जहाँ तक यहाँ तुदो होटल से लेके जुलित राय जंक्शन तक है, और अभी कुछ देखा है नाला में भी कोई गुमटी उमटी बना रहा है, तो तुदो होटल से लेके जो जुलित राय जंक्शन तक का जो फोर लेन का जहाँ चल रहा है उसका ऑलरेडी नोटिस दे चुका है। वो 3 तारीख में हमको इविक्शन करना था, तो दूसरा इंगेजमेंट था इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। अभी हम कल परसों नरसों के अंदर में वहाँ का भी इविक्शन शुरू करेगा। तो दो होटल से जुलित राय जंक्शन पापुनाला, कितना टोटल इविक्शन का फिगर्स क्या होगा? फिगर्स तो देखिए, वेंडोर्स लोग है काफ़ी, 25-50 का वेंडोर्स है, और तो दो होटल जुलित राय जंक्शन से लेके बांदरद्वा तक कम से कम 200 का करीब है, उसका भी नोटिस दे चुका है। और चंद्रनगर से लेके चिंपू से लेके आपको तो दो होटल तक भी उसका कम से कम 60-70 का करीबन वेंडर्स लोग को नोटिस दे चुका है। और सेक्टर रोड में भी जो लोग जैसे गाय का मीट बेचते हैं, मुर्गी मछली बेचते हैं, सड़क पे बेचते हैं, बहुत गंदगी से बेचते हैं, उनका भी 70 के आसपास 133 CRPC इन्वोक करके उन लोगों को भी नोटिस दे चुका है। सभी को जैसे जैसे समय मिलता है वो सभी को कार्रवाई किया जाएगा। ईटानगर को सही रखना है, सुंदर रखना है, और हम कोई भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। थैंक यू।